सेवा से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि पद्मराव मेघवाल के नेतृत्व में आज बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के आज कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। सेडवा के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। सेडवा के बाबा रामदेव पेट्रोल पंप पर चौहटन विधायक पद्मराव मेघवाल के नेतृत्व में देश में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान में बेतहाशा बढ़ रही महंगाई को लेकर आज 11 जून को केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस कुकिंग ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर सरकार इसी तरह से डटी रही तो महंगाई और बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजार करना भी कोई छोटा काम नहीं रहा। रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में लोगों ने फिर से चूल्हे जलाने शुरू किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के बजाय उन पर महंगाई का बोझ बढ़ा रही है। इससे तो साफ स्पष्ट होता है कि यह सरकार देश चलाने में पूरी तरह नाकाम है। इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में जरूर देगी। इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया और धरने पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता ओमनुट्ठा खान, बाबूलाल बिश्नोई, प्रधान रमेश कुमार, कंदा खान धारेजा सहित कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज पूरे राजस्थान में कांग्रेस कमेटी की एक जिन्होंने हड़ताल के टाइप में वो किया है। हमारे साथ चौटन विधायक पद्मराम जी हैं, जानते हैं उनसे कि क्या उनकी राय। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब के निर्देशानुसार आज पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ भी ब्लॉक मुख्यालय है वहाँ पेट्रोल पंपों के ऊपर धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। दिनों दिन पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। आज विदेशों के अंदर क्रूड के भाव दिनों दिन डाउन हो रहे हैं और भारत के अंदर डीजल और पेट्रोल के भाव दिनों दिन बढ़ रहे हैं। ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसा कौन सा भारत के ऊपर नया कोई भार आ गया या ऐसी कौन सी नई योजना जो चालू कर दी जिससे आम आदमी की जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है। तो मेरा आप सभी के मार्फत माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि जिस प्रकार से आप डीजल और पेट्रोल के अंदर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हो दिनों दिन, विदेशों के अंदर क्रूड की रेट दिनों दिन डाउन हो रही है, आप दिनों दिन इसके भाव क्यों बढ़ा रहे हैं? भारत की जनता आपसे प्रश्न पूछ रही है। आपने गैस के भाव बढ़ा दिए, आपने डीजल के भाव बढ़ा दिए, आपने गरीब आदमी के खाने की दाल के भाव बढ़ा दिए, तेल के भाव बढ़ा दिए, ऐसा कौन सा आपने नई योजना लागू की है या ऐसी कौन सा नया भार आपके ऊपर आ गया? महंगाई दिनों दिन बढ़ा रहे हो, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है और जनता के ऊपर डाका डाल रहे हैं। आज पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे भारत के अंदर इस महंगाई के विरोध धरना प्रदर्शन हो रहा है। यदि इसके अंदर आज संभल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर पूरी भारत की जनता सड़कों के ऊपर आएगी, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राजस्थान के अंदर अदर स्टेट से सबसे ज़्यादा टैक्स लग रहा है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। क्या कांग्रेस सरकार की ये एक जो बढ़ते हुए डीजल में राजस्थान में सबसे ज़्यादा टैक्स लग रहा है, गुजरात में कम है, हरियाणा में कम है, अदर स्टेट में कम है? राजस्थान से तो ऐसे कई स्टेट है उसके अंदर भारत से ज़्यादा वेट लग रहा है। इनके पड़ोस के मध्य प्रदेश इनको दिखने में नहीं आता है, कर्नाटक इनको दिखने के लिए नहीं आ रहा, हरियाणा इनको दिखने के अंदर नहीं आ रहा, राजस्थान दिखने में यूँ आ रहा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का राज है। इसके इनको विरोध करने के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। इनकी पूरे भारत के अंदर इनकी जो नाव डूबने जा रही है उनके खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। वैट बढ़ गया, वैट तो सरकार चलाने इनकी हर जगह बढ़ाती है। आपने एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ा दी? बेसिक एक्साइज ड्यूटी कम करके स्पेशल एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई? उसका कोई पूछने वाला नहीं है। वो पूछेगा देशद्रोही, सामने बोलेगा देशद्रोही, और नहीं पूछने वाला वो चुपचाप भारत के नागरिक बैठे रहो। इनको सबके ऊपर एक तरफ से उल्ला बुल्ला के रखा कि यदि जो भी बोलेगा उसको देशद्रोही कर दो, सरकार विरोधी कह दो, प्रधानमंत्री की इमेज खराब करने वाला कह दो, तो चुप हो जाएंगे।